अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है करने के लिए, और ये मैं शौक के लिए करती रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर बिहार। ठंड बढ़ने के साथ ही कई ऐसे जरूरतमंद व गरीब लोग हैं जिनको कंबल की आवश्यकता होती है, व ठंड से इस परेशानी को देखते हुए डॉक्टर मिताली राज के द्वारा प्रत्येक साल अपने पुत्री के जन्मदिवस के मौके पर फाजिलपुर पहुंचकर सैकड़ों कंबल का वितरण किया जाता है। इसी क्रम में हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के फाजिलपुर मस्जिद के पास वार्ड नंबर 12 में डॉक्टर मिताली कुमारी पहुंची। वहीं अपने बेटी के जन्मदिन के मौके पर सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वह ऐसा सेवा की भावना से करती हैं और प्रत्येक साल उन अपने परिवार की तरह मान के सभी लोगों के बीच पहुँचती है। साथ ही साथ इस कार्य में युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं इस मौके पर जाने माने डॉक्टर रामेश्वर सिंह, रघुनाथपुर विधायक प्रत्याशी मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, हुसैनगंज थाना प्रभारी विजय यादव, समाजसेवी साहिद अली, साजिद हुसैन समेत सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। वहीं युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। वहीं पहुंचे हुए दिव्यांग लोगों को भी डॉक्टर मिताली कुमारी के द्वारा कंबल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। मजबूर नहीं, मजबूत बने, और ऐसा मजबूत बने कि आप अगर 10,000 रुपया दिल्ली के अंदर कमाते हैं, बॉम्बे के अंदर कमाते हैं, तो उसमें से 100 रुपया अपने गांव के लिए निकालेंगे तो कई करोड़ कई लाख रुपया हो जाएगा, और आगे चल के किसी नेता और किसी अभिनेता का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे देश के बेटा, हमारे किसान के भाई, हमारे गाँव के लड़के कई लोगों का पेट भर सकते हैं, कई लोगों का चूल्हा जला सकते हैं, कई लोगों को मदद कर आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे गांव में अक्सर देखते हैं कि विदेश जाने वाला कोई गरीब परेशान रहता है, तो हम लोग यानी कि ब्याज और सूद पे पैसा लेकर उसको विदेश भेज। कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई भी वितरण किया जाता है या कोई भी दान किया जाता है, तो दो तरीका होता है दान का। दान का एक तरीका होता है कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, ये गुप्त दान जो होता है, और दूसरा दान डंका पीट करके दे। ये कहा जाता है, देखिए दोनों का इस तरह का कार्य भी करना चाहिए। विचार मेरा पहले से ही है और मुझे अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है करने के लिए, और ये मैं शौक के लिए करती हूँ, ये भाई हर्ट करती हूँ। क्या आपका रहता है मेडिकल के क्षेत्र में भी लोग अगर जो पहुँचते हैं उनके लिए क्या सेवा आप करते हैं? मेडिकल के लिए तो मैं कैंप वगैरह करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के लिए भी काम करना, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब लोग होते हैं कि जो लोग प्राइवेट में नहीं आ पाते हैं, तो हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, और कैंप में जाके पेशेंट्स जो भी होते हैं उस तरह का हम लोग फ्री में भी मेडिसिन देते हैं, और ये सब काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कंबल लेकर काफ़ी खुश भी हैं, तो क्या आपका ऐसा जो अगले साल भी इस तरह का कार्यक्रम? हाँ, नहीं बिल्कुल, हर साल मेरा मैं साथ ही, और इन लोगों से बहुत लगाव हो चुका है, मुझे लगता है कि ये मेरे अपने लोग हैं और इनके बीच आके अच्छा लगता है मुझे। हाँ, ओके, आपके क्या कुछ कहेंगे आज हुसैनगंज? सबसे पहले तो हमारे छोटे भाई साजिद जी के, इनके कार्य को हम बहुत सराहना करते हैं, और आज इन्हीं के ऑन बिहाफ पे हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, और इस प्रकार के कार्यक्रम जितने सारे युवा हैं हमारे जिले के, मुझे आग्रह होगी कि आप अपने अपने वार्ड और अपने अपने मोहल्ले में अपने आस पास के चंद लोग जो थोड़ा सा उसमें सहायता दे सकते हैं, ठंडा में कम से कम ये कार्यक्रम आप कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का जरूर कार्यक्रम करें। हो सकता है कि हमारे छोटे छोटे से, और एक चाइनीज कहावत है कि हजारों मीलों की यात्रा एक छोटे से कदम से आरंभ होती है, और उस यात्रा को साजिद जी ने किया है। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि जिले के हर एक कोने में कम से कम इस प्रकार का कार्यक्रम महीने में एक बार जरूर। अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम विकास सिंह है। तो आप लोग भी मजबूर नहीं, मजबूत बने, और ऐसा मजबूत बने कि आप अगर 10,000 रुपया दिल्ली के अंदर कमाते हैं, बॉम्बे के अंदर कमाते हैं, तो उसमें से 100 रुपया अपने गांव के लिए निकालेंगे तो कई करोड़ कई लाख रुपया हो जाएगा, और आगे चल के किसी नेता और किसी अभिनेता का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे देश के बेटा, हमारे किसान के भाई, हमारे गाँव के लड़के कई लोगों का पेट भर सकते हैं, कई लोगों का चूल्हा जला सकते हैं, कई लोगों को मदद कर आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे गांव में अक्सर देखते हैं कि विदेश जाने वाला कोई गरीब परेशान रहता है, तो हम लोग यानी कि ब्याज और सूद पे पैसा लेकर उसको विदेश भेज। आज फाजीपुर में कंबल वितरण हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सब मुझे बहुत खुशी हो रहा है, और यहाँ पर हमें आने का
काटने की और जगह तो हल्का डाउन कर रही है अपनी बेटी के बर्थडे, तो हम लोग को प्रेरणा मिल रहा है कि हम लोग भी कुछ आगे करें और जो जरूरतमंद है उनको कंबल मिला तो वो भी बहुत खुश हुए हैं और उनकी बेटी को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। अपना नाम बता दें।